हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ PGT TT PRT प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल टीचरों की भर्ती आई हुई है और इसकी जो लास्ट डेट है ये 16 फरवरी 2019 है। और इसमें जो लास्ट जो डेट है फीस पेमेंट करने की वो 18 फरवरी 2019 है। तो देखिए दोस्तों, इसमें नॉन टीचिंग टीचिंग की भर्ती आई हुई है के साथ साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो अंशकालीन टीचरों की भर्ती आई हुई है और साथ ही परमानेंट टीचरों की भर्ती भी आई हुई है। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में यहाँ पर टीचर आई हुई, टीचरों की भर्ती आई हुई है। तो इसमें जो यहाँ पर दिया गया है, इसमें जो आप फॉर्म को भर सकते हैं, इसकी जो लास्ट डेट है ये 16 फरवरी 2019 है और 5 बजे तक आप इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर फीस पेमेंट की, तो फीस पेमेंट आप 18 फरवरी 2019 तक कर सकते हैं। और अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसका जो PDF है ये 20 फरवरी तक आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर हम बात करें जो फीस है, वो एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 1000 है यानी 1000 रुपये रखा गया है। और जो यहाँ पर OBC कैटेगरी में वो 500, यहाँ पर फॉर्म का जो चार्ज है वो 500 रुपये है। और वहीं ST SC जो रिजर्व कैंडिडेट हैं उनके लिए ये जो फॉर्म है उनके लिए कोई भी पैसा नहीं देना है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पोस्ट आई हुई है ये प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल PGT TGT PRT इन सभी के लिए आई हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पोस्ट अलग अलग पोस्ट दी गई हैं और अपने हिसाब से आप इसको देख लें, इस PDF को पढ़ लें। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे TGT की बात करें, PGT की बात करें तो PGT में हिंदी की आई हुई है, यहाँ पर अगर हम बात करें इंग्लिश की है, TGT में मैथमेटिक्स की है, उर्दू की भी है, संस्कृत की है, म्यूजिक टीचर की है, उसके साथ साथ हिस्ट्री है, हिंदी है, होम साइंस की है, TGT में फिजिक्स की है, मैथ की है, PRT की है। और इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पर तो अलग अलग वैकेंसी आई हुई है, आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ग्रुप 3 तक की यहाँ पर भर्ती इसमें आई हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग पोस्ट आई हुई है, तो अपने हिसाब से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ये यहाँ पर इधर पोस्ट दी गई हैं और इधर वैकेंसी भी दिया गया है, कितनी वैकेंसी किस में है। तो आप इस PDF को एक बार ढंग से पढ़ लें और उसके बाद ही आप फॉर्म को फिलअप करें। इसके लिए आपको इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको जो BHU की जो ऑफिशियल साइट है इसमें जाना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है जो वेबसाइट है। और इसके साथ साथ कोई भी क्वेरी है तो आप इन टेलीफोन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेलीफोन नंबर भी दिया गया है और देखिए जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पर जा करके और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जा करके आप इस फॉर्म को पूरा यहाँ पे देख सकते हैं और फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने ऑफिशियल वेबसाइट इसकी ओपन कर दी है और आप भी यहाँ पे BHU.ac.in पर जा करके ऑफिशियल साइट में जा सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। तो जब आप इस पर क्लिक करते तो इस प्रकार से साइट खुलेगी, ओपन होगी और यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर दिया गया टीचिंग पोजीशन और यहाँ पे दिया गया नॉन टीचिंग पोजीशन। तो इस पर दिया गया है यहाँ पे ऑनलाइन, ये तो एप्लीकेशन फ़ीस का यहाँ पर सबमिट करने का प्रोसेस बताया गया। और देखिए ये एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, आप इस पर क्लिक करके आप इसको पढ़ सकते हैं पूरा का पूरा। देखिए यहाँ पर आपको बता दें ये PDF डाउनलोड हो रहा है और ये हमने आपको बता दिया है वो PDF, तो यही वो PDF है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जब आप इसको पूरा पढ़ लेते हैं, इसमें अलग अलग टीचरों की भर्ती आई हुई है, TGT PGT PRT, साथ ही यहाँ पे अंशकालीन टीचरों की भर्ती भी आई है कॉन्ट्रेक्चुअल। तो इसमें जो है इसमें ग्रुप 1 की है, वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल की है। तो देखिए अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं तो आपको यहाँ पर ऑफिशियल साइट पर जाना पड़ेगा और यहाँ पर अगर आप देखें तो नीचे यहाँ पे देखिए क्लिक हेयर टू अप्लाई, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो इसकी यहाँ पर साइट खुल जाएगी और देखिए यहाँ पे इस प्रकार से ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको यहाँ पर जाकर के अगर आप देखें ये भी ओपन हो रहा है, तो आपको यहाँ पे नीचे जाकर आपको क्लिक करना है, इस पर यस पर क्लिक कर देना है और इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन साइट खुल जाएगी। और आपको टीचिंग के लिए करना है या नॉन टीचिंग करने के लिए अप्लाई करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार्ट रजिस्टर करना है फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो आपको यहाँ पे फैकल्टी के रूप में आप दे सकते हैं यहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी किसके लिए आपको अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंट किसके लिए करना है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करके और इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए इसकी जो लास्ट डेट है ये 16 फरवरी की गई है, तो इसलिए आप 16 फरवरी से पहले पहले से कर लें। और इसके जो फीस पेमेंट है 18 फरवरी तक रखा गया है, तो इस डेट के अंदर ही आप कर लें।
तो इसके लिए आप ऑफिशियल साइट पे जा कर के और पूरी जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट में जा कर के आप इसे फिलअप कर सकते हैं और इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए दोस्तों इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आगे भी मिलती रहे।